फिल्मों में पहला किस देने वाली अभिनेत्री, ऐसे किया था अब तक का सबसे बोल्ड सीन। बॉलीवुड और रोमांस का एक गहरा रिश्ता है। आजकल भले ही रोमांस की बातों खुलकर होने लगी हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पर्दे पर किसिंग सीन के बजाय अक्सर दो फूल मिलते दिखा दिए जाते थे। आज ये आपको फनी लगता है तो सोचिए उस दौर में किसिंग सीन देना कितनी बड़ी बात मानी जाती होगा। ऐसे ही वक्त में एक अभिनेत्री ने ऐसा कमाल कर दिया जिसे देखकर सब चौंक गए थे। ये एक ट्रेस और कोई नहीं बल्कि 1933 के दौर की सबसे बड़ी एक ट्रेस देविका रानी थी। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम आपको उनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं। उस दौर में फूलों के मिलने को देखकर दर्शक समझ जाते थे कि यह किसिंग सीन है। धीरे धीरे फिल्मों में बदलाव आए और पर्दे पर किसिंग सीन दिखाए जाने लगे। आज चाहे किसके नाम पर आपको इमरान हाशमी की याद आए, लेकिन इमरान हाशमी से काफी पहले एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने पहली बार पर्दे पर किसिंग सीन दिया था। साल 1933 में आई फिल्म कर्मा में एक एक्ट्रेस देविका रानी और हिमांशु राय ने एक किसिंग सीन दिया था। ये किसिंग सीन 4 मिनट लंबा था। इस सीन ने उस दौर में जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थी। हैरानी की वजह तो थी ही, आखिर ये बॉलीवुड का पहला किसिंग सीन जो था। बता दें कि ये किसिंग सीन किसी लव सीन का हिस्सा नहीं था, बल्कि इस सीन में हीरो बेहोश है और हीरोइन उसे प्यार से किस करती है। इस फिल्म के हीरो हिमांशु राय और हीरोइन देविका रानी के लिए ये किसिंग सीन देना इसलिए सहज था क्योंकि ये दोनों असल जिंदगी में पति पत्नी थे। हालांकि उस समय पर्दे पर ऐसा सीन देना एक बोल्ड स्टेप था,